सावधान इंडिया जो है बहुत पॉपुलर है, लाइफ ओके का हाईएस्ट टीआरपी शो है, और आई थिंक देयर वाज नो बेटर शो टू प्रमोट कहानी टू ऑन, क्योंकि कहानी टू में मैं एक वांटेड क्रिमिनल का किरदार निभा रही हूँ. क्या मैं वो हूँ जो मैं दिखती हूँ, क्या मैं नहीं हूँ वगैरह वगैरह का खुलासा जो है फिल्म में होगा. पर इसमें हफ्ते दर हफ्ते किसी ना किसी क्राइम का पर्दाफाश हो रहा है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक टाइप है, बहुत अच्छा एसोसिएशन है. एंड जिस केस के बारे में मैं इस एपिसोड में बात कर रही हूँ वो तो जब देखेंगे तब पता चलेगा, पर बेसिकली इट्स अबाउट कि एक लड़की जिसको शराब पीने का भी शौक है, उससे उसके ज़िंदगी को ख़तरा है किसी वजह से, एक्चुअली उसकी मौत हो जाती है. तो फिर सब बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये शराब पीती थी और इसी वजह से you know, ये लोगों के साथ इसका घुलना मिलना ठीक नहीं था. और तो इस तरह के जजमेंट्स जो हैं लड़की को लेके, औरत को लेके, उस पे मैं सवाल कर रही हूँ. आई थिंक दैट इज़ व्हाट ब्रिंग्स मी टू सावधान इंडिया. ओके, जैसे आपने कहा कि वांटेड क्रिमिनल, अब तक जो प्रमोशन की कहानी टू का रहा है, और अगर मैं पहली कहानी की बात करूँ, सब कंफ्यूजन में थे और फिर रिलीज होने के बाद कुछ और ही मालूम पड़ता है. हाँ. तो जैसे आप जिस तरह से प्रमोशन चल रहा है फिल्म का, जिस तरह से आप हर दिन आओ ना वांटेड क्रिमिनल, ऐसा तो नहीं कि एंड ऑफ द डे जब फिल्म देख के लोग निकले तो आप IPS या IAS अधिकारी निकले? ये तो फिल्म देख के ही पता चलेगा आपको. इफ आई टेल यू एनीथिंग, नथिंग विल बी अ सरप्राइज, तो मैं कुछ बताऊंगी नहीं. किस चीज से डर लगता है विद्या? चिपकली से और सांप से, इन दो चीजों से बहुत डर लगता है. जैसे ये पॉपुलर शो है, बहुत सारे लोग देखते हैं, ऐसा कोई एपिसोड आपने तक कोई देखा और आप डर गए हो कि यार ऐसा भी होता है? नहीं, बहुत सारे ऐसे you know, मैं ज्यादा टीवी नहीं देखती, पर कई बार मैंने देखा है. कुछ कुछ देख के you know, घबराहट सी होती है, बिकॉज हमें अंदाज़ा नहीं होता कि लोगों के दिमाग कैसे चलते हैं, लोग क्या सोचते हैं, किस वजह से मजबूर हो जाते हैं कि किसी का वो मर्डर कर दे या किसी पे असॉल्ट करे. और कभी कभी बहुत ट्रस्टेड लोग भी ऐसे करते हैं. तो इट्स आई थिंक हम सब, स्पेशली इन बिग सिटीज़, एक्चुअली सब जगह इस इनसिक्योरिटी से जूझते हैं. तो आई कॉन्ट थिंक ऑफ एनी वन एपिसोड, पर बहुत सारे मैंने एक एपिसोड सेक्शुअल अब्यूज़ पे देखा था, और एक्चुअली वो मैं पहली बार टीवी पे कुछ देख रही थी ऐसे, तो मुझे लगा कि ओ माई गॉड, इट्स, मुझे नहीं पता था कि टीवी पे ऐसे सब दिखाते हैं. पर इट्स ग्रेट बिकॉज उससे अवेयरनेस बढ़ती है, you know, जो बहुत ऐसे केसेस हैं जी, ऐसी चीज़ें हैं जो हम, जैसे कि आपने कहा कि ट्रस्टेड लोग भी कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हम उम्मीद नहीं करते. तो विद्या, बीइंग अ वुमन, ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो आप अपने फैंस को बताना चाहेंगी कि यहाँ आपको बच के रहना चाहिए, या इस इन चीज़ों हिदायत कोई अगर आप you know, ये यहाँ बैठ के मैं बहुत कुछ ज्ञान दे सकती हूँ, पर जैसे वो जो मोनिका के साथ हुआ गोवा में, वो परफ्यूमर जो है, वो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके वॉचमैन ने जो किया, इट्स बहुत डरावनी चीज़ है वो. तो आई डोंट थिंक ये चीज़ें प्रीएम्प्ट की जा सकती हैं, पर जितना हो सकता है you know, हम अगर सिक्योरिटी मेजर्स लें, जैसे मैं जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनसे कहती रहती हूँ, स्पेशली जब लेट ट्रैवल करते हैं, तो आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके द्वारा यू कैन कीप इन टच विद 2-3 पीपल जिनको पता होगा कि आप इस वक्त कहाँ हैं, तो वो ऐप यूज़ करें. या पुलिस ने एक ऐप निकाला है तो उस ऐप का फ़ायदा उठाए. आई एम नॉट श्योर वॉट इट्स कॉल्ड, बट वो एक बहुत इफ़ेक्टिव ऐप है, सुना है मैंने. जनरली हाँ, वॉट इंडिकेटर, वुमेन्स एम इंडिकेटर या वुमेन्स सेफ्टी एम इंडिकेटर. सो आई थिंक, एंड आसानी से किसी पे विश्वास ना करें, स्पेशली आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन. आप किसी को इतने टाइम से देख रहे हैं, आपको you know, आप उन पे विश्वास कर लेते हैं, पर
इट्स स्कैरी. इसीलिए मैंने कहा कि जान जान पहचान के लोग अगर ये करते हैं तो फिर और भी ज़्यादा डर लगता है. योर ट्रस्ट जस्ट गेट्स शेकन. एंड आई थिंक वेमेन शुड डेफिनेटली लर्न यू नो सम फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ताकि एटलीस्ट वो प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे कि अगर आप अपने आप को बचा सके तो इट्स ग्रेट. US presidential elections, I'm hoping and praying that Hillary Clinton becomes the president of the United States. मैं उनको follow करती हूँ रोज बैठ के. उनकी वजह से मैं TV देखती हूँ, debates देखती हूँ जो. And I really think it's time we had a woman president in America, which is one of the strongest economies, and then दुनिया भर we shall take over. You are an actress who's always known for experimenting with roles. Yeah. So how difficult or how easy is for an actress to put on weight or lose weight? I think it's as easy as it is for anyone else, or as difficult. Any tips you would like to share with the fans? No, not at all. आने वाले कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में, I mean, आपका इतना पुराना रिलेशन रहा है कोलकाता के साथ, बहुत सारी फिल्में, तो कुछ कोलकाता में. पिछले साल मैं कोलकाता फिल्म फेस्टिवल के ओपनिंग सेरेमनी में थी. बहुत मज़ा आया था. मिस्टर बच्चन, जया जी, शर्मिला जी, मौसमी चैटर्जी सब थे. पर इस साल मैं नहीं जा पा रही हूँ बिकॉज ऑफ प्रमोशंस. और एक्चुअली बहुत, जब मैंने अपना करियर शुरू किया, मैंने एक्चुअली मेरे करियर की पहली फिल्म एक बंगाली फिल्म थी, तो हाँ भालू थे को, तो उस वक्त आई वॉज यू नो इन्वाइटेड देयर. और मैं बैठ के मैंने सारी फिल्में देखी और वो माहौल, एक फिल्म फेस्टिवल का माहौल ही बहुत अलग होता है. दैट टू कैलकटा में, जहाँ सबको फिल्म का बहुत शौक है और ओपिनियन है और नॉलेज है. तो आई मिस बीइंग देयर दिस ईयर. थैंक यू, थैंक यू. जय जोंग पुचिंदा कलकत्ता सिनेमा सबसे.